कंफर्म स्पेसिफिकेशंस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में और उसके साथ इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड इंडियन प्राइस क्या होने वाला है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन के अपडेट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में। सो इस स्मार्टफोन का लुक्स बेसिकली कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा एंड इस स्मार्टफोन की रियर साइड में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा एंड इस स्मार्टफोन का प्राइमरी लेंस हमें 200 पिक्सल के साथ देखने को मिलेंगे। और कमाल की बात यह है कि इस स्मार्टफोन के कैमरे में आपको सोनी के सेंसर देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली इस बार इस स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है और इसके कैमरे से आप लो लाइट में भी काफी बढ़िया फोटोज ले पाएंगे। दोस्तों इस बार इस स्मार्टफोन में अल्ट्रा एंगल लेंस भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेंगे, लेकिन कितने मेगापिक्सल के सेंसर के साथ मिलेगा ये अभी भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा एंगल लेंस देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ यहाँ पे आपको दो और सेंसर देखने को मिल जाएगा जो कि है 5 मेगापिक्सल का डेप्थ और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। एंड दोस्तों इस बार आपको रेडमी की तरफ से काफी बेहतरीन सेल्फी कैमरा भी प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको 40 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा और दोस्तों इसके रियर कैमरा में आपको OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है जिसके थ्रू आप किसी भी फोटोज एंड वीडियोस को बेटर एक्सपीरियंस के साथ कैप्चर कर पाओगे। लेकिन दोस्तों वीडियोस में इसका OIS कितना वर्क करेगा ये तो फोन लॉन्च होने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन इस बार शायद रेडमी अपने फैंस को निराश नहीं करेगा। OIS का सपोर्ट इस बार आपको बेहतरीन देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो अपकमिंग डिवाइस रेडमी नोट 12 प्रो मैक्स के अंदर इस बार बेहतरीन चिपसेट प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 780G का चिपसेट या फिर 778G का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। दोनों ही चिपसेट दोस्तों बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस के साथ आता है और इस चिपसेट के थ्रू आप किसी भी गेम को हाई क्वालिटी एंड हाई ग्राफिक्स पे बहुत ही स्मूथ तरीके से प्ले कर पाओगे, कोई भी इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पर जो CPU है वो दोस्तों 5 नैनोमीटर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, तो डेफिनेटली स्पीड एंड गेमिंग एफिशिएंसी आपको काफी बेहतर देखने को मिल जाता है। एंड उसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको हाई क्लॉक स्पीड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। एटलीस्ट यहाँ पे आपको 2.8 गीगाहर्ट्ज़ का हाई क्लॉक स्पीड का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ इस स्मार्टफोन में आपको HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। OIS का सपोर्ट तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेगा ही एंड ये स्मार्टफोन दोस्तों आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस रेडमी ने अपने आने वाले नोट 12 सीरीज के अंदर काफी बेहतरीन डिस्प्ले को यूज किया है। इस बार रेडमी नोट 12 प्रो मैक्स के अंदर आपको काफी बढ़िया डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 6.67 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल के साथ देखने को मिलेगा एंड उसी के साथ इस डिस्प्ले में आपको 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट भी प्रोवाइड किया जाएगा एंड साथ ही में यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। सो दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में तो यहाँ पे आपको 5000 एमएएच का एक बड़ा सा बैटरी देखने को मिलेगा जो कि 80 वाट का फास्ट चार्जर के साथ आने वाला है। और दोस्तों 80 वाट का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। सो उसी के साथ दोस्तों अब चलिए बात करते हैं इस स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी के बारे में। तो ऑब्वियसली दोस्तों यहाँ पे आपको USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। डुअल स्टीरियो स्पीकर एंड 3.5mm का ऑडियो जैक होने वाला है। यहाँ पे आपको कितने 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा ये अभी भी कंफर्म न्यूज निकल कर सामने नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे आपको IP रेटिंग 58 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसमें आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, वही ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब दोस्तों फाइनली बात करते हैं इस स्मार्टफोन के इंडियन प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो इस स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट आपको अंडर 20,000 के साथ देखने को मिल जाएगा जो कि 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला है। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन की इंडियन लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करें तो इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, ये रूमर्स है और रूमर्स के थ्रू ये न्यूज निकल कर सामने आ रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको शायद इसी साल के जुलाई या फिर अगस्त के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर कुछ यही थे इन्फॉर्मेशन अपकमिंग स्मार्टफोन रेडमी नोट 12 प्रो मैक्स से रिलेटेड। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। बाकी दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस स्मार्टफोन से रिलेटेड और कुछ नए लीक्स और रिमार्क्स रिवील हुआ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर।